आज मैं गोभी का पकोड़ा बना रही हूँ, मसालेदार, जो कि एकदम अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए, चलिए बनाते हैं गोभी का पकोड़ा। गोभी को काट कर लिए हैं, उसमें हरी मिर्च काट कर डाल दिए, थोड़ा नमक डाल दिए। अब उस सब को अच्छे से मैश कर रहे हैं, अच्छे से मैश करके कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे, जिससे कि वो पानी उसका छूट जाए और नमक उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। कुछ ढक के रख दिए। अब उसको खोल करके फिर देख रहे हैं, हरी मिर्च कूट के रखे हुए थे, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिए एक चम्मच, थोड़ा सा काला नमक डाल दिए आधा चम्मच भर, जवाइन थोड़ा क्रश करके डाल दिए, सबको अच्छे से मैश कर दिए, जिससे नमक अच्छी तरह से उसमें मिल जाए और सारे मसाले का फ्लेवर भी उसमें अच्छे से मिल जाए। अब बेसन डालेंगे उसमें, 3 चम्मच बेसन डाले हैं, 1 चम्मच चावल का आटा डाले हैं, इससे पकौड़ा बहुत ही कड़क बनता है। आज का सीक्रेट है, चावल अगर नहीं है तो सूजी डाल दीजिए, सूजी भी नहीं है तो गेहूं का आटा डाल दीजिए और फिर उसको मैश कर दीजिए, बहुत अच्छा पकौड़ा बनता है, एकदम कड़क कड़क बनेगा। उसमें आधी चम्मच हल्दी मिला दीजिए, हल्दी मिला दिए, नमक बेसन हल्दी सब डाल चुके हैं। अब इसको अच्छे से मिला रहे हैं। अब इसमें पानी का ज़रूरत पड़ेगा तब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अगर ये गोभी के पानी से ही अगर ये सूख लेता है तो पानी नहीं डालेंगे। देख रही हैं, हमारा गोभी में थोड़ा सा पानी लगा है, इसलिए 3 चम्मच हम इसमें पानी डालें। अब देखते हैं, और पानी लगेगा तो थोड़ा सा डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। एकदम सूखे बेसन से बनाइए गोभी का पकौड़ा, इसमें कोई बेसन घोलने की ज़रूरत नहीं है। उसको बेसन को डाल करके उसको अच्छे तरह से मैश कर दिए। मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम तेल को चेक कर लिए हैं, एक पकौड़ा डाल करके मेरा तेल एकदम रेडी है। अब सारे पकौड़ों को उसमें हम डाल के छान लेंगे। सारे पकौड़ों को डालते जाएंगे, फ्लेम एकदम हाई रखेंगे, फ्लेम को लो नहीं करना है, यही हाई फ्लेम पर पकौड़ा तलते रहेगा। सरसों का तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा इस पकौड़ा में, सरसों का तेल ही बहुत स्वादिष्ट होता है। देख लीजिए, मेरा पकौड़ा हो गया है, अब हम इसको छान लिए हैं। मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ने सब छान लिया है, फिर दूसरा बार डाल करके भी इसको छान रहे हैं। मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू, धन्यवाद।